बड़ी खबर के साथ यूपी के बदायूं से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आती है कल, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने दो नाबालिग बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया, आगजनी भी की गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि स्थिति अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच चल रही है। तो यूपी के बदायूं में कल ये खौफनाक वारदात होती है, जहां पर नाई का काम करने वाले एक व्यक्ति ने किस तरीके से दो बच्चों का बेरहमी से गला रेत कर कत्ल कर दिया। ये आरोपी की तस्वीर देख रहे हैं और साजिद इसका नाम बताया जा रहा है। साजिद के हमले में एक बच्चा बुरी तरह घायल हुआ, दोनों बच्चे की गला रेत कर हत्या की गई, तीसरे पर भी हमला करने जा रहा था। वजह क्या है अभी स्पष्ट कारण नहीं सामने आए हैं, लेकिन इस घटना को जिसने सुना है उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। हालांकि जो शासन प्रशासन है, राज्य की योगी सरकार है, सख्त तरीके से एहतियात दे दिए गए अधिकारियों को कि सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो करिए, और आरोपियों को एक का तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, दूसरे को भी जल्द पकड़िए। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि दो बच्चों की नृशंस हत्या हुई, और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने के प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई और वो जो है पुलिस आगे कार्रवाई कर रही। बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक बच्चों की छत पर पहुंच गया और वहां धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस दौरान घर में बच्चों के साथ उनकी दादी भी थी। साजिद के हमले में दो बच्चों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीसरा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए अपनी छत से कूद गया, जिसके बाद उसकी दादी ने तीसरे बच्चे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और उनकी जान बच सकी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की है। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसके हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया था से ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाएगा, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी नहीं तो कितने कोई। क्या लोग थे? अकेला। कितना बड़ा था युवा? अरे बड़ा आदमी है वो, तो क्यों माता जी,